अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लाहौरी फिश की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही इजी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसके लिए चाहिए आपको 700 ग्राम फिश और आधा कप मैदा। तो सबसे पहले आप सारी फिश को जो है वो मैदे से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, और इसके बाद आपने इसको टर्न करना है, और इसकी दूसरे साइड से भी आप इसको अच्छे तरीके से मैदे से कवर कर देंगे। और अब इसे 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। और अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2। इसमें बनाएंगे इसका मिक्सचर। उसके लिए चाहिए नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे लहसुन का जूस 1/2 कप, लेमन जूस 3 टेबल स्पून और 1 कप बेसन। तो सबसे पहले आप एक बाउल के अंदर लहसुन का जूस, लेमन जूस, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करके इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन ऐड करने के बाद आप इन सब चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब आपने जो मैदा लगाकर फिश रखी थी उसे इसमें अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। दोनों साइड से आप सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे और इसके बाद हमने इसे कवर करके 3 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। 3 घंटे के बाद हम इस फिश को करेंगे फ्राई। तो अब आपने कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल को गर्म करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे। अब आपने सारे फिश को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। एक साइड से अच्छा सा कलर आने पर आप इसको टर्न कर देंगे और इसके बाद हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो अच्छी सी फ्राई हो चुकी है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी। तो अब हम इसे सर्विंग डिश के अंदर निकाल लेंगे। तो अब मैंने इसे अच्छी सी प्लेट में सर्व कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें।